तो भोजपुरी का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का इतिहास है। इतिहास भूगोल की हम अभी बात नहीं कर रहे, हम अभी वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। इस पे अंकुश लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जो अश्लीलता अभी फैला हुआ है। सदन के अंदर में जितने भी सदस्य होते हैं, अभी भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भोजपुरी भाषा, जैसे सारण चंपारण में बोल रहे हैं कि हमने बहुत महारत हासिल हुआ है, तो सदन के अंदर में भोजपुरी भाषा क्यों नहीं बोला जाता है? अभी आप यहाँ इस मंच पे बोल रहे थे, तो अगर भोजपुरी पे सच में काम हुआ होता तो इस मंच पे खुले तौर पे लोग भोजपुरी में बात करते, इस तरह से गांव में लोग बात करते हैं। अगर काम हुआ होता तो अभी जो बाइट दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, अभी भोजपुरी में बोलते, क्योंकि ज्यादातर जो मतदाता है वो भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? ये हिंदी और भोजपुरी को अलग, जब आप हिंदी में हमसे बात कर रहे हैं, भोजपुरी में बात कीजिए तो मैं भोजपुरी में हमारा प्रश्न करो तो हम भोजपुरी में बोलो, भोजपुरी में पूछी तो हम भोजपुरी में बोलो। अब पूछिए हमारा कहे गई बाटे, सारण चंपारण के बात होता, बहुत ऐसा लोग बाटे कि भोजपुरी में बतिया से ला जाला, कहला कि हम भोजपुरी बोले तो लोग कहे कि गंवार है, एकरा पढ़े लिखे ना वाला, वही से भोजपुरी बतिया था। अब अगर ये तरह के मानसिकता बावे तो ये गुलाम मानसिकता भइल। अच्छा, देश के सबसे पढ़ल लिखल आदमी, सबसे विद्वान आदमी जे देश के देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, जब यहाँ से लोग जाओ तो भोजपुरी में बात करस। ओकरा बाद से महापंडित राहुल सांकृत्यायन दुनिया के बड़का विद्वान रहले, उ जब असहयोग आंदोलन में यहाँ भाग लेते रहले तो भोजपुरी में बात करस। अच्छा रुआ तो यो मालूम बा कि हमनी के सांसद रहनी पूर्व प्रभुनाथ सिंह, वो इतना बढ़िया भोजपुरी बोले ले संसद में कि जमना कोनो सीमा नहीं है। आ जब वो तरह के प्रश्न कोनो आवेला तो बिहार विधान परिषद में भी हमनी के भोजपुरी में बोले नहीं जा, वैसा बात नहीं है कि भोजपुरी के कम लोग यही से यही से सावधान कर जाता कि भोजपुरी के सुरक्षा संरक्षा हो खो। सर एक क्वेश्चन, अच्छा, जिस तरह से अभी तक जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का जो सेशन है, जिस तरह से इसकी आज दयनीय स्थिति है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी है, सबसे ज्यादा बदतर स्थिति अपने जेपी यूनिवर्सिटी की है, इस पर क्या आप क्या कह सकते हैं? देखिए, आप लोग धरातल पर काम करते हैं। बिल्कुल, आप इतना सही प्रश्न, एक पत्रकार के कर्तव्य का पालन करते हैं आप इस प्रश्न को पूछ के। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी 1992 में, तो 10 वर्षों तक इसका सत्र बिहार के सारे विश्वविद्यालयों से ठीक था। अभी 10 वर्षों के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय का सत्र, यहीं का नहीं पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का सत्र गड़बड़ हुआ है। और पुनः मैं कहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मालाकार जी आए हुए थे, और इसी क्षेत्र में अमनौर या कटसा में किसी श्राद्ध में मैं गया था, तो वहाँ हमको लोगों ने ऐसे ही घेर के प्रश्न किया, कहा कि भाई हमारी बेटी की शादी नहीं होती है और आप क्या कर रहे हैं, आप MLC हैं। हमने कहा कि भाई बेटी की शादी का सत्र से क्या संबंध है, तो हमको भी पहली बार तो हमको भी ये बात समझ में नहीं आई। और मालाकार जी को, जो वहाँ बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको भी खगड़िया के रहने वाले हैं, उनको कहा कि वीरेंद्र जी ये क्या मामला है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब लड़के वाले के यहाँ हम लोग जाते हैं तो कहता है जी कितने साल BA में पढ़ती रहेगी, 3 साल की 6 साल। और मैंने हूबहू मुख्यमंत्री के सामने इस प्रश्न को रखा, और मेरे ही प्रश्न रखने के बाद सत्र को पूरे बिहार में नियमित करने के लिए कमेटी बनी हुई है, और सरकार उस पर आगे अब उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेगी कि कैसे पूरे बिहार का सत्र ठीक हो, उसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र और यहाँ की परीक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, इसको स्वीकार करना।